ये इंडियन बोरेज प्लांट है, इसको मैं आज पत्ती से ग्रो करना दिखाऊंगी आपको। फ्रेंड्स, ये इंडियन बोरेज या मैक्सिकन मिंट प्लांट बोलते हैं, पर इसकी खुशबू अजवाइन के प्लांट की तरह होती है, तो सभी लोग यहाँ हमारे स्थानीय भाषा में इसको अजवाइन ही बोल देते हैं। वैसे ये इंडियन बोरेज और मैक्सिकन मिंट प्लांट है। इसको आज मैं टहनी से और पत्ती से ग्रो करना दिखाऊंगी, और मैं इसको पानी में भी ग्रो करना दिखाऊंगी कि हम कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट मैंने ऑलरेडी पहले मेरी एक वीडियो डली हुई है, उसमें मैंने इसके बेनिफिट भी बताए हुए हैं, इस प्लांट के क्या बेनिफिट हैं। और अब हम इसको ग्रो करते हैं एक पत्ती की के द्वारा और एक टहनी से। बोरेज है, मैक्सिकन बोरेज प्लांट है। ये एक सकुलेंट प्लांट होने की वजह से इसको आप पानी बहुत कम मात्रा में दें। ये मैंने इसको 15 सितंबर की डेट लिख दी है मैक्सिकन मिंट की। अब हम इसको 22 दिन के बाद देखेंगे कि इसने रूट्स निकालनी शुरू कर दी हैं, लीव्स ने भी और टहनी ने भी, और इसको पानी में भी हम देखेंगे कि इसकी कैसी ग्रोथ हुई है। आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर, और हमने ये मैक्सिकन मिंट लगाया था 15 सितंबर को। तो हम इसकी ग्रोथ देखते हैं कि कैसी इसकी 25 डेज में कैसी ग्रोथ हुई है। इसके पत्तों का साइज भी बहुत बड़ा हो गया है, आप देख रहे हैं। जो पानी में ग्रोथ हुई है वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैक्सिकन मिंट की मैं पानी की ग्रोथ दिखाती हूँ आपको। ये पानी की ग्रोथ है, और ये मेरे पास जो सॉयल में मैंने लगाए थे प्लांट उनकी ग्रोथ है।
ये मैं आपको ठीक करके दिखाती हूँ। और जो ये लीव्स हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो सॉयल में थी पत्ती लीव्स, उसकी ग्रोथ है और बहुत बढ़िया उसने रूट्स निकाल ली हैं। ये सॉयल की ग्रोथ है और ये मैंने टहनी लगाई थी, उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। और ये पानी की, पानी में इसने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक्स।